अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए खूबसूरत महल लेकर आया हूँ वन कनाल कॉर्नर के ऊपर। ये खूबसूरत सा विक्टोरियन स्टाइल का विला डिजाइन किया गया है, जिसकी फ्रंट वेट जो है वो 67 फीट 6 इंचज है, लेंथ जो है वो 90 फीट है। इसकी तमाम तरह डिजाइन, तमाम तरह डिटेल देखेंगे इस वीडियो में। हम इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मल्टी फ्लोर प्लान को देखेंगे। इसका फ्रंट 2D वर्किंग एलिवेशन और इसका 3D एलिवेशन के दो ऑप्शन हैं। इसकी डिटेल तमाम तरह आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहेगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा इसका कवर्ड एरिया क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आ जाएगी, आजकल रेट्स क्या चल रहे हैं, तमाम तरह डिटेल आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला हर डिजाइन आप तक पहुंच सके। और इसी तरह के मिलते जुलते मैंने 10 और भी वीडियो के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप चाहें तो उनको भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप उनको देखें तो वो भी इससे मिलते जुलते डिफरेंट एक डिजाइन और प्लानिंग का आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया गया है। तो 10 और डिजाइन भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और अगर आपने बनवानी हो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल ड्राइंग, 3D ड्राइंग या इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी हो तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल मैंने दे दिया। ऑल ओवर द पाकिस्तान डिजाइन कर रहे हैं। तो ये खूबसूरत विक्टोरियन स्टाइल का व्यूवर्स विला आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी तमाम तरह डिटेल देखेंगे। सबसे पहले इसका 3D मॉडल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। 3D मॉडल की मदद से आप इसको रोटेट करके हर तरफ से देख सकते हैं, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट से, राइट से, बर्ड आई व्यू से, 360 के ऊपर आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं। यानी आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा आप रोटेट करके पहले ही उसका अंदाजा लगा सकते हैं, और चाहें तो आप इसके मटेरियल्स को भी चेंज कर सकते हैं, आप पेंट वर्क चेंज कर सकते हैं, मोल्डिंग जो यहाँ पे की गई है उसको चेंज कर सकते हैं, टाइल भी लगा सकते हैं, ग्राफी भी करा सकते हैं, यानी डिफरेंट आप इसके कलर कॉम्बिनेशन को भी बना सकते हैं ताकि वो भी आप करके देखें आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा, आप उसका अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन को करके, और डिफरेंट एंगल के हिसाब से आप उसको चेक करके ये सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो ये व्यूअर्स इसका 3D मॉडल है। 3D मॉडल इसी तरह हर घर का बनाया जाता है और बनाना चाहिए, बिकॉज आपका घर बनने के बाद कैसे देखेगा, आपकी पेमेंट वेस्ट ना हो जाए, तो आप सारे ट्रायल्स पहले करके ही अंदाजा लगा सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस डिजाइन और किस कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। तो ये व्यूअर्स इसका जो है वो 3D मॉडल है। ये व्यूअर्स इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, जिसमें आप देख सकते हैं मेन गेट, विकेट गेट, फ्रंट पे खूबसूरत सा लॉन, जो 16 फीट वाइड लॉन है इसका, खूबसूरत सी डिजाइनिंग, ड्राइववे, कार पोर्च जो है वो 3 गाड़ियों का जो है यहाँ पे कार पोर्च प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से स्टेप अप हो रहे हैं तो खूबसूरत सा डेक बनाया गया है, डबल कॉलम इस तरफ और इस तरफ, और खूबसूरत सा यहाँ पे डेक जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप यहाँ पे 3D के अंदर भी देख सकते हैं। तो यही वाला डेक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से आप एंटर होंगे घर के अंदर, ये आपकी डबल हाइटेड स्टेयर लॉबी आपको मिल रही है, मेन एंट्रेंस के ऊपर डबल हाइटेड लॉबी मिल रही है आपको। राइट साइड पे जो है वो यहाँ पे स्टेयर्स अप हो रही हैं, आप ऊपर चले जाएंगे, स्टेयर्स के नीचे 2 पाउडर रूम दिए गए, एक गेस्ट के लिए, एक सर्वेंट के लिए। यहाँ पे ये स्टेयर है, यहाँ से आपको ये सारी चीजें खाली मिल रही हैं, और ये डबल हाइट मिल रहा है। लेफ्ट साइड पे आपको ड्राइंग रूम मिल रहा है और डाइनिंग रूम, तो दोनों को सेपरेट भी किया गया है फ्रेंच डोर के थ्रू, और अगर आप इसको कंबाइन रखना चाहें तो कंबाइन भी रख सकते हैं। और इस तरफ गली 5 फुट 4.5 इंच की प्रोवाइड की गई है। तो ये व्यूअर्स एक्चुअली मेन एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर की। यहाँ से आप एंटर होंगे तो आगे आपको मिलेगा टीवी लाउंज, लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा किचन, किचन, ड्राइंग, डाइनिंग एक ही रो में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे सर्विंग के लिए डोर भी प्रोवाइड किया गया, डर्टी किचन है। राइट साइड पे आपको मिल रहा है कोर्टयार्ड, बहुत ही खूबसूरत, चाहे यहाँ पे स्विमिंग पूल अगर डिजाइन करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, वरना यहाँ पे साइड लॉन टाइप एक कोर्टयार्ड आपको प्रोवाइड किया गया। आर शेप के अंदर यहाँ पे लॉबी है व्यूअर्स, लॉबी में आपको स्टोर मिल रहा है, और 3 बेडरूम जो है वो बैक पे मिल रहे हैं, बेड नंबर 1 ड्रेस बाथ, बेड नंबर 2 ड्रेस बाथ, और बेड नंबर 3 उसका ड्रेस और बाथ, और ये मास्टर साइज का बेडरूम दिया गया। तो व्यूअर्स 3 बेडरूम आपको मिल रहे हैं बैक साइड पे, बैक साइड पे यहाँ पे 7 फुट की गली है, और इस तरफ जो पैसेज है वो 5 फुट का प्रोवाइड किया गया है। तो दोनों तरफ 5 फुट के पैसेज भी है, कोर्टयार्ड भी है व्यूअर्स, और 3 बेडरूम जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किए गए हैं। बैक साइड पे आपको किचन मिल रहा है, स्टोर मिल रहा है, उसके अलावा ड्राइंग, डाइनिंग और खूबसूरत डबल हाइट लॉबी के साथ डबल हाइटेड पिलर भी आपको मिल रहे हैं। तो ये व्यूअर्स इसका बहुत ही शानदार सा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स पे जब आप यहाँ से ग्राउंड से फर्स्ट पे आ गए तो उसके बाद ब्रिज मिलेगा आपको, ब्रिज के थ्रू आप जो है वो यहाँ पे लो रूफ भी आ सकते हैं। और ये डिजाइन जो है ये आपने 3D में भी देखा है कि ये 2 डिजाइन है, और उसके पीछे जो है वो विंडोज दी गई है, तो इसी तरह यहाँ पे भी देखें तो आपको ये 2 डिजाइन मिल रहे हैं, और उनके पीछे जो है वो आपको विंडोज जो है वो यहाँ पे मिल रही है, तो इसी चीज को डिस्क्राइब किया गया है। ये डबल हाइटेड आपको मिल रहा है लुकिंग बिलो स्टेयर लॉबी, ये आपको पोडियम मिल रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप आएंगे तो आपको किचन मिल रहा है, छोटा सा किचन है, यहाँ पे बर्तनों की अलमारी और प्लांट के भी जगह बनाई गई है,
बेडरूम एक फ्रंट पे मिल रहा है जिसको दो बालकनीज मिल रही है, और उसके साथ जो है वो ड्रेस बाथ आपको कंबाइन मिल रहा है, शॉवर एरिया बैक पे मिल रहा है। तो यहाँ पे खूबसूरत सी फर्स्ट फ्लोर की फर्स्ट जो स्टार्ट में प्लानिंग है उसको बहुत ही शानदार तरीके से फर्स्ट पार्ट को डिजाइन किया गया है। बैक पे चले तो टीवी लाउंज है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आपको मिल रहा है साइड टेरेस यानी फैमिली टेरेस। तो स्पाइरल स्टेयर के थ्रू आप रूफ पे भी जा सकते हैं। एक टेरेस आपको फ्रंट पे मिल रहा है और यहाँ पे एक फैमिली टेरेस आपको साइड पे भी मिल रहा है। तो बैक पे तीन बेडरूम्स सेम है व्यूअर्स, बेडरूम ड्रेस बाथ, दूसरा लॉबी है स्टोर है, और बैक पे सर्वेंट रूम जो है उसको भी दिया गया है, सर्वेंट रूम और बाथ है। वैसे हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे बेड था और उसके साथ ड्रेस बाथ बनाया था, तो यहाँ पे हमने सर्वेंट रूम को एडजस्ट किया गया। तो एक और बेडरूम लेफ्ट पे प्रोवाइड किया गया है, उसका ड्रेस और उसका बात है, यानी तीन बेडरूम्स जो है वो व्यूवर्स फर्स्ट फ्लोर पे प्रोवाइड किए गए हैं, तीन ही भी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे प्रोवाइड किए गए थे। लॉबी भी दे के, किचन दे के, ऊपर सर्वेंट रूम को भी एडजस्ट किया गया, स्टोर्स भी दिए गए हैं, साइड टेरेस भी दिए गए हैं, किचन डर्टी किचन भी है, मास्टर बेडरूम्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो कलेक्टिवली डबल हाइट स्टेयर लॉबी के साथ एक शानदार सा डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन। वन कनाल कॉर्नर का ये हम घर डिस्कस कर रहे हैं, उसके फर्स्ट फ्लोर पे तीन बेडरूम्स हैं। तो ये व्यूअर्स इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान। मल्टी फ्लोर की बात करें तो ऊपर कोई रूम नहीं है बिकॉज सर्वेंट को भी नीचे फर्स्ट पे एडजस्ट किया गया है, तो इसके लिए तमाम तरह आपके पास रूफ जो है वो फ्री है जिसको आप डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ये व्यूअर्स इसका जो है वो 2D वर्किंग एलिवेशन है। 2D वर्किंग एलिवेशन में ये तमाम तरह लेवल्स जो है वो मेंशन होते हैं, और इसके अलावा इसकी तमाम तरह डायमेंशन मेंशन होती है। इसके अलावा जो ये है आपके पास, ये है इसका 3D एलिवेशन व्यूअर्स। तो 3D एलिवेशन में हमने यहाँ पे सैंड स्टोन यहाँ पे यूज किया गया है, सैंड स्टोन के साथ आपको एक व्यू दिया गया है, और सेकंडली जो है आपको पेंट के साथ भी एक व्यू दिया गया है कि अगर आप पेंट करना चाहते हैं सिंपल तो आपको ये वाला व्यू मिलेगा, प्लस आपको वॉल लाइट्स भी मिल रही है। तो ये इसका 3D जो है वो 3D की पिक्चर्स हैं। तो ये इसका 2D वर्किंग एलिवेशन है व्यूअर्स, जिसमें जो है वो तमाम तरह डायमेंशन मेंशन होते हैं, यानी ये पिलर्स की हाइट कितनी है, इन पिलर्स की हाइट कितनी है, यहाँ पे जो ये छोटे छोटे टक हैं ये क्या बने हुए हैं, इसकी हाइट क्या है, ये जो डिजाइन बना हुआ है इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इसकी क्या है, यहाँ पे ये कितनी हाइट पर हैं, इसी तरह रेलिंग्स की हाइट क्या है, यहाँ पे क्या हाइट्स हैं, इनके फासले क्या है, तमाम तरह छोटी 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 डायमेंशन इसके ऊपर मेंशन होती है, जिसको देख के जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। तो 2D वर्किंग एलिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें तमाम डायमेंशन होती है। बहुत सारी डायमेंशन आपको प्लान से भी मिल जाती है, बट मोस्टली डायमेंशन आपको यहां से लेके तो आपका ग्रे स्ट्रक्चर इसको रेडी करना पड़ता है। इसी तरह फिनिशिंग जो है वो 3D की मदद से की जाती है, चाहे तो आप पेंट के कम्बिनेशन में जा रहे हैं या आप टाइल के कम्बिनेशन में जा रहे हैं, तो जो 3D एलिवेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसमें आपको कलर कम्बिनेशन, रेलिंग्स और जो मोल्डिंग का जितना भी काम होता है वो तमाम तरह आपको इसको देख के करना पड़ता है। तो वो ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो दो ऑप्शन आपको फिनिशिंग के हिसाब से इस विक्टोरियन विला की मिल रही है, बहुत ही शानदार घर की मिल रही है, जिसमें एक ऑप्शन में हमने सैंड स्टोन और विद मोल्डिंग का काम किया गया, और इटालियन स्टाइल के अंदर हमने रेलिंग लगाई, यहाँ पे बॉर्डर्स लगाए और इसको खूबसूरत सा डिजाइन किया, और दूसरी ऑप्शन में आपको यही चीजें पेंट में भी मिल रही है। और अगर आप पेंट फिनिश में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2-2 इंच के ग्रूव्स लगाएं, इस तरफ ही ग्रूव्स लगाएं और मोल्डिंग का काम करें और सिंपल पेंट करेंगे तो भी आपका ये शानदार सा विला जो है वो डिजाइन हो सकेगा। तो दो ऑप्शंस हैं व्यूअर्स 3D की, तो ये इसका 3D एलिवेशंस की दो ऑप्शन हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर व्यूअर्स। देखें ये इसका वन कनाल कॉर्नर का घर है, 67 फीट 6 इंच बाय 90 फीट का। इसका ग्राउंड फ्लोर का कवर्ड एरिया, फर्स्ट फ्लोर कवर्ड एरिया, तो टोटल मिला के 6,700 स्क्वायर फीट तकरीबन इसका कवर्ड एरिया। 2,000 पर रेट आपको पड़ेगा बिकॉज बारीकी का काम है, फिनिशिंग का काम है, तो लेबर भी ज्यादा होगी, कॉस्ट भी ज्यादा आती है। तो तकरीबन 2,000 पर रेट आपको कवर्ड एरिया का पड़ेगा। कॉस्ट जो पड़ेगी वो 13.4 मिलियन के अंदर आपका जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होगा, यानी कि सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो 13.4 मिलियन में होगा। और इसी तरह जो फिनिशिंग का रेट है वो भी तकरीबन आपको 2,000 के राउंड अबाउट पड़ेगा, बिकॉज मोल्डिंग वर्क बहुत ज्यादा है, स्पेनिश डिजाइन है, आर्चेज हैं, आर्टिफिशियल काम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए 2,000 ही तकरीबन रेट आपको फिनिशिंग का पड़ेगा। तो 13.4 मिलियन में ही तकरीबन आपकी फिनिशिंग होगी, तो टोटल मिला के 26.8 या 27 मिलियन में, 2,70,00,000, 2,65,00,000 या 2,75,00,000 में तकरीबन आपका ये खूबसूरत सा स्पेनिश विला विद दीज कवर्ड एरियाज एंड दीज काइंड ऑफ फिनिशिंग एंड ग्रे स्ट्रक्चर आपका रेडी हो सकता है, रेडी टू लिव हो सकता है, जिसके अंदर तमाम तर जो है वो मार्बल टाइल, पेंट वर्क, वुड वर्क, एल्युमिनियम वर्क, ग्लास वर्क, रेलिंग्स जो है और उसके मोल्डिंग जो है और उसके बाद उसकी सीलिंग्स और इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो तमाम तर चीजें शामिल होंगे। तो ये एक बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको लेटेस्ट जो रेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से एक कॉस्ट का बजट बता रहा हूं कि अगर आपके पास इस तरह का प्लॉट है और इस तरह का डिजाइन है तो आजकल कवर्ड एरियाज के हिसाब से तकरीबन जो है वो 2,00,00,000
75 लाख या 70 लाख में आपका ये वन कनाल यानी सवा कनाल का तकरीबन घर रेडी हो सकता है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टीमेट है। ये थी हमारी आज की वीडियो व्यूअर्स, आज हमने इस खूबसूरत से विक्टोरियन डिजाइन को डिस्कस किया, सवा कनाल के ऊपर ये खूबसूरत सा महल डिस्कस किया, इसकी तमाम दर प्लानिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मैंने आपको बताई और आपको 3D के दो ऑप्शन बताई कि आप दोनों में से जो भी रखना चाहें। तो ये हमने आपको डिस्कस किया, तमाम दर डिजाइन डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।